नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सुदर्शन टीवी का किस्सा तो याद होगा, वही जिसने यूपीएससी जिहाद नाम का शो बनाया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो जजों ने कहा था कि कुछ टीवी चैनल सिर्फ टीआरपी का खेल बनते जा रहे हैं। गुरुवार 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उसने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो टीवी चैनलों की टीआरपी हेराफेरी करके बढ़ाने में लगे थे। आखिर क्या है ये टीआरपी जिसको लेकर इतनी हाय तौबा मची है? आइए जानते हैं तफसील से क्या है टीआरपी का मतलब। टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इन पॉइंट्स के जरिए ही यह पता चलता है कि कोई शो टीवी पर कितना अधिक देखा गया। ये पॉइंट्स ही बताते हैं कि कोई शो कितना हिट जा रहा है या उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। इसी वजह से अक्सर आपने टीवी चैनलों को अपने प्रोग्राम की टीआरपी की नुमाइश करते भी देखा होगा। कैसे पता चलती है ये टीआरपी? चैनलों की रेटिंग जानने के लिए चंद बड़े शहरों में एक खास तरह की डिवाइस कुछ चुनिंदा जगहों पर लगाई जाती है। इस डिवाइस को पीपल मीटर कहते हैं। ये मीटर हर किसी के घर में नहीं लगते, इसके लिए खास जगह ही सिलेक्ट की जाती है। इन्हें खासकर शहरों में लगाया जाता है। जब कहीं पीपल मीटर लगा दिए जाते हैं तो यह डिवाइस आप अपने एरिया के सभी सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट हो जाती है। टीआरपी आम केबल टीवी कनेक्शन पर नहीं नापी जा सकती, इसके लिए सेट टॉप बॉक्स वाला केबल कनेक्शन जरूरी होता है। खास जगहों पर लगे पीपल मीटर संबंधित सेट टॉप बॉक्स की जानकारी ऊपर मॉनिटरिंग टीम के पास भेजते हैं। क्या सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, इसके अलावा एक तरीका और है। पिक्चर मैचिंग नाम के तरीके से भी टीआरपी नापी जाती है। इसमें पीपल मीटर उस प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड कर लेता है जो प्रोग्राम देखा जा रहा होता है। इस तरह के सैंपल कई घरों से लिए जाते हैं, फिर इस डेटा को एनालाइज करके टीआरपी का पता लगाया जाता है। क्या क्या जानकारी भेजता है पीपल मीटर? पीपल मीटर ये सब जानकारियां भेजते हैं कि टीवी देखने वाले ने किस वक्त कौन सा शो सबसे ज्यादा देखा, कितनी देर तक देखा। इसके अलावा पिक्चर मैचिंग वाले हिस्से को भी एनालाइज करके देखा जाता है कि कौन सा शो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। टीआरपी का हिसाब कौन रखता है? टीआरपी का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी INTAM और DART नाम की दो एजेंसियां करती हैं। INTAM का मतलब होता है इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट और DART का मतलब होता है दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीम। DART की रेटिंग तब ज़्यादा महत्व रखती थी जब प्राइवेट चैनल बहुत कम या नहीं के बराबर थे। हालांकि अब भी DART काम करती है। ये ग्रामीण इलाकों और उन छोटे शहरी इलाकों में टीवी देखे जाने के पैटर्न पर नज़र रखती है। DART लोगों के पास जाकर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही तरीके से डेटा कलेक्ट करती है। दूसरी तरफ INTAM पूरी तरह से अपने पीपल मीटर के भरोसे है। इस टीआरपी के जरिए ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक लिस्ट जारी करती है। यह लिस्ट हर हफ्ते आती है। इसमें लिखा होता है कि किस चैनल को किस टाइम स्लॉट में कितने इंप्रेशन मिले, मतलब कितने लोगों ने उसे देखा। टीआरपी से टीवी चैनलों की कमाई का क्या सिस्टम है? टीवी चैनलों की कमाई का पूरा सिस्टम इसी टीआरपी से चलता है। टीवी चैनलों को अपनी आमदनी का 90% हिस्सा विज्ञापनों से मिलता है। इन विज्ञापनों को दिखाने का हर टीवी चैनल का अपना अलग अलग रेट होता है। यह रेट इस बात से भी तय होता है कि किसी चैनल को कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं और ये कौन बताता है। टीआरपी के आंकड़े इसी से पता चलता है कि कौन सा चैनल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके बाद तो सीधा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। जिसकी ज़्यादा टीआरपी उसके पास विज्ञापन देने वालों की उतनी ज़्यादा भीड़ और इस भीड़ के चलते उसके विज्ञापनों के उतने ही ज़्यादा रेट। हालांकि चैनल इसे सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन चैनल का तमगे के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन यह गुणवत्ता नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखने वालों की रेटिंग होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक टीवी चैनल पर 5 लोग काम करते हैं और उन्हें सालाना 10-10 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी खर्च 10 लाख रुपए का आता है। अब अगर उस चैनल की टीआरपी ज़्यादा है और उसे 1 करोड़ के ऐड मिल रहे हैं तो चैनल मालिक को 5 लोगों की सैलरी और बाकी 10 लाख अन्य खर्चों के जोड़ने के बाद भी 40 लाख बचते हैं। अगर उस चैनल की टीआरपी नीचे गिर जाती है तो ऐड देने वाले चंपत हो जाएंगे, चैनल को चलाने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। सवाल भी उठते रहे हैं टीआरपी पर। टीवी शो की रेटिंग के टीआरपी सिस्टम पर जानकार को सवाल भी उठाते रहते हैं, जैसे एजेंसी ने किस शहर में और किनके यहाँ पीपल मीटर लगाए हैं। इसे लेकर पारदर्शिता नहीं बढ़ती जाती। चूंकि यह सिर्फ बड़े शहरों और चंद हजार घरों से ही डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे में इनके डेटा पर कैसे भरोसा किया जाए। अगर कोई टीवी चला भर दे लेकिन उसे देखे ना, तब भी उस चैनल को रेटिंग मिल जाएगी। ऐसे में व्यूअरशिप नापने का यह तकनीकी रूप से सटीक तरीका नहीं है।
पूरी इंडस्ट्री में चंद एजेंसियां ही हैं जो ये काम करती हैं, ऐसे में एक अधिकार बढ़ता जाता है, सिस्टम को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की गुंजाइश रहती है। टीआरपी की होड़ बढ़ जाने से कार्यक्रमों की गुणवत्ता घटती है, चैनल कुछ भी दिखाकर टीआरपी हासिल करने की होड़ करते हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।